वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ एज़ यू नो कि अभी तक के जो है वो हम बहुत सारे बेसिक जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते चले आ रहे हैं, ठीक है। नाउ आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट विद द फर्स्ट लेसन ऑफ अवर 11th स्टैंडर्ड, ठीक है। 11th का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है विच बिलोंग्स टू बॉटनी, क्योंकि जो है वो आपका जो नया बुक आया है बोथ ऑफ 11th एंड 12th, ये जो है वो इसको क्लब कर दिया गया है। सम ऑफ द चैप्टर्स कम्स फ्रॉम बॉटनी एंड सम ऑफ द चैप्टर्स कम्स फ्रॉम जूलॉजी, तो इसको जो है वो मिक्सअप कर दिया है। नहीं तो पहले जो है वो पुराना जो हमारा सिलेबस हुआ करता था उसमें दो सेक्शन हुआ करते थे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है वो बॉटनी का होता था, सेक्शन बी जो है वो जूलॉजी का होता था, लेकिन अब जो है वो मिक्सअप कर दिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो अब जो हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है लिविंग वर्ल्ड, जो कि बॉटनी का चैप्टर है, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड में कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में, बहुत शॉर्ट और बहुत छोटा चैप्टर है ये, इसको बहुत जो है वो बेसिक चीज़ें जो है वो आपको इंट्रोड्यूस की गई हैं अबाउट बायोलॉजी। तो यहाँ पे जो है वो लिविंग वर्ल्ड में जो आज हम पहले डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, क्योंकि हम लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात करें। अब लिविंग वर्ल्ड के बारे में जब हम बात करें तो वी हैव टू नो हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ लिविंग थिंग एंड अ नॉन लिविंग थिंग। ये हम जब से साइंस पढ़ रहे हैं तब से हमें पता है कि हम जो है वो हमको सिखाया जा रहा है कि लिविंग थिंग के क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, नॉन लिविंग थिंग की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो उन्हीं को हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन थोड़े से अलग तरीके से, थोड़े से नए तरीके से, ठीक है। हम कुछ गिने चुने जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे, जो हमें पता है कि एक्चुअली वो लिविंग थिंग में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि क्या वो एक अकेला एकमात्र ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो डिफाइन करता है कि वेदर अ सब्सटेंस और वेदर अ थिंग बिलोंग्स टू अ लिविंग थिंग और अ नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम बेसिक प्रिंसिपल में जो सबसे पहला जो प्रिंसिपल बात करने वाले हैं वो है ग्रोथ, ठीक है ना। अब देखो ग्रोथ, हमें पता है कि ग्रोथ जो है वो लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। लिविंग थिंग जो है उनकी बॉडी ग्रो होती है, इट बिकम्स ओल्डर ओल्डर एंड ओल्डर। लेकिन अगर हम चेयर की बात करें, टेबल की बात करें, या और भी किसी नॉन लिविंग थिंग की बात करें, तो वो ग्रो नहीं होता, ठीक है। अब सबसे पहले ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ जो है इट इज़ द डेवलपमेंट फ्रॉम इनसाइड, अंदर से अगर कुछ जो है वो ग्रो हो रहा है तो हम उसे ग्रोथ कहेंगे। लेकिन क्या ग्रोथ अकेले इस कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब देखो, मैंने बोला आपको कि हमारी हाइट जो है वो बढ़ रही है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं, इसका मतलब हमारी बॉडी ग्रोथ हो रही है, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग का। लेकिन अगर हम नॉन लिविंग थिंग के कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं तो उसमें से हमको डिसाइड करना है कि ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन साइज, ठीक है, आपका इंक्रीज इन मास या फिर आपका साइज अगर बढ़ता है तो हम उसे ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल अगर हम जो है वो डेजर्ट में जाते हैं, रेगिस्तान में जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि रेगिस्तान में जो है वो तेज़ हवाएं चलती है और वहाँ पे रेत होती है, ठीक है। जो भी रेत है, बिकॉज ऑफ द ब्लोइंग विंड, वहाँ पे जगह जगह पे छोटे छोटे जो है वो रेत के हिल्स बन जाते हैं, टीले बन जाते हैं, ठीक है। अब अगर वहाँ पे जो है, फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो डेजर्ट में जा रहे हो, आप गए, आपने जो है वो देखा कि यहाँ पे इस तरह से जो है वो आपको हिल्स फॉर्म होते हुए दिखे हैं, ठीक है ना। ये वाला हिल जो है इसका साइज बड़ा है, ये वाला हिल जो है इसका साइज छोटा है, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये हिल का साइज़ बड़ा क्यों था? क्योंकि एयर जो है वो कौन से डायरेक्शन में ब्लो हो रही थी? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब जो है जब हवा ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया आफ्टर सम टाइम पीरियड, तो जब हवा जो है अब वो लेफ्ट से राइट मूव होने लगी और ये वाला जो मूवमेंट है, ये वाला जो फ्लो है वो स्टॉप हो गया, क्या होगा? बिकॉज ऑफ द एयर, जो भी इस हिल के ऊपर की जो सैंड है वो बहकर कहाँ पे डिपॉजिट होने लगेगी? दूसरे वाले हिल के ऊपर। ऑब्वियसली जो है वो पहले वाले हिल का साइज़ क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, और जो दूसरा वाला है उसका साइज़ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं क्या बोल रही हूँ कि ग्रोथ यानी क्या? इंक्रीज इन साइज़। यहाँ पर क्या हुआ? ये वाले हिल का साइज़ क्या हो गया? कम हो गया। ये वाले हिल का साइज क्या हो गया? बढ़ गया। क्या आप ये नहीं बोलोगे कि इट हैज़ ग्रोन इन साइज? ये वाला जो हिल है ये साइज में ग्रो हुआ है?
ठीक है, हुआ है, लेकिन क्या इसे हम ग्रोथ कहेंगे या क्या ये लिविंग थिंग है? नो, इट इज़ नॉट अ लिविंग थिंग। तो फिर ग्रोथ जो है वो क्या एक डिफाइनिंग फैक्टर है जिससे आप जो है वो एक लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो? तो यहाँ पर इस केस में जो है, अगर हम ग्रोथ के साथ में जाएँ, तो यहाँ पर ये हिल भी क्या होना चाहिए? एक लिविंग थिंग होना चाहिए, लेकिन जो है वो असली में ये लिविंग थिंग नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फैक्टर। एक और एग्जांपल के बारे में बात करते हैं हम। इफ सपोज मेरे पास में जो है वो एक मेटल का रिंग है, ठीक है, एक मेटल का रिंग है। ये रिंग का जो है, इसका अगर आप जो भी मेटल है, जो भी हम मेटल का हमने ये जो रिंग बनाया हुआ है, इसका अगर हम डायमीटर देखते हैं तो इसका डायमीटर बहुत कम है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक बड़े से बकेट में जो है वो एलम प्लस वाटर, ठीक है, वाटर और एलम का मैंने जो है वो एक सॉल्यूशन बनाया। एलम मतलब होता है त्रुटि, जो जो हम बारिश के दिनों में जो है वो पानी साफ़ करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है, दैट इज़ एलम, ठीक है। तो एलम जो है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम और एलम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रखना है, ठीक है। अब ये जो भी हमारा रिंग है, इसे कुछ समय के लिए इस सॉल्यूशन में जो है वो आपको क्या करके रखना है, डिप करके रखना है, ठीक है। अब इसके कुछ समय बाद में जब आपने ये डिप करके रखा, उसके बाद में जब आप इसे बाहर निकालोगे, तो क्या होगा कि जो भी एलम था, इसका कॉन्सेंट्रेशन पानी में ज़्यादा था, तो ये एलम क्या हो जाएगा, इट विल डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। जो भी रिंग है आपका, इस रिंग के सरफेस के ऊपर ये एलम जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम पहले वाले रिंग के डायमीटर को दूसरे वाले, मतलब सेकेंड टाइम जब हम उसको जो है वो इस बकेट से हमने निकाला, तो उसके बाद में जब हम दोनों के डायमीटर को कंपैरिजन करेंगे, तो आप देखोगे कि जिसके ऊपर एलम डिपॉजिट हुआ है, उसका जो डायमीटर है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है, इट हैज़ इंक्रीज्ड इन साइज़। मतलब क्या, उसका साइज़ ग्रो हुआ है, साइज़ में बढ़ा है, मतलब क्या हुआ है, ग्रो हुआ है, लेकिन क्या ये ग्रोथ कहला रहा है? नो। आप थोड़े समय बाद जो है वो इस एलम को जो है वो जब झड़ा देंगे, उसको जो है वहाँ से निकाल देंगे, तो क्या होगा, इट विल अटेन इट्स ओरिजिनल साइज़, वो अपने ओरिजिनल डायमीटर में आ जाएगा, ओरिजिनल साइज़ में आ जाएगा। अब इन एग्जाम्पल से आपको क्या पता चल रहा है कि नॉन लिविंग थिंग्स में भी साइज़ जो है वो क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन उस बढ़े हुए साइज़ को हम ग्रोथ क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि ग्रोथ जो है वो कहाँ से होनी चाहिए, अंदर से होनी चाहिए, फ्रॉम इनसाइड, एंड इट इज़ इरिवर्सिबल। आप एक बार बड़े हो गए, आप दोबारा से छोटे नहीं होगे। तो ग्रोथ क्या आपको बता रही है, ग्रोथ ये बता रही है कि जो भी इंक्रीज इन साइज, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रोथ। अब ये जो भी इंक्रीज इन साइज है, ये नॉन लिविंग थिंग में भी हो रही है, लिविंग थिंग में भी हो रही है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ एक अकेले ग्रोथ वाले फैक्टर को आप लेकर जो है ये नहीं कह सकते कि ये इसका साइज़ बढ़ा है तो ये लिविंग थिंग है, और इसका साइज़ नहीं बढ़ा है मतलब ये नॉन लिविंग थिंग है। ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जो आपको थोड़ा आप डाइवर्ट करते हैं, ठीक है। ग्रोथ लिविंग थिंग में ही होती है, नॉन लिविंग थिंग में नहीं होती, बट कुछ एग्जांपल हैं जो आपको कंफ्यूज़ करते हैं, आपके जो बेसिक आइडियाज़ हैं उन्हें डाइवर्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें से ये ग्रोथ वाला फैक्टर एक ऐसा था। तो बेसिक प्रिंसिपल में अगर हम बोलें तो ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग फैक्टर नहीं है, जिसकी मदद से आप लिविंग और नॉन लिविंग में फ़र्क कर सकते हो, ठीक है, ये एक फैक्टर हो गया। देन इसके बाद में नेक्स्ट फैक्टर इज़ After growth, next is reproduction. Now, as we know कि हमें पता है कि reproduction सिर्फ और सिर्फ living thing का एक characteristic फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन अब नॉन लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, किसी भी हालत में नहीं कर सकते, किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते, लेकिन अब हमें जो है वो लिविंग थिंग के ही बारे में बात करना है कि क्या सारे ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो,
ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं? सबसे पहला एक्सेप्शन है सम ऑफ द मैरिड कपल्स विच कैन नॉट रिप्रोड्यूस, मतलब उनमें जो है वो कुछ ना कुछ रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से जो है वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते, ये एक एक्सेप्शन है। दूसरा एक्सेप्शन, ये एबनॉर्मलिटी की वजह से हो गया। दूसरा एक्सेप्शन है म्योल। म्योल जो है इसे हम खच्चर कहते हैं, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डोंकी एंड हॉर्स, ठीक है। आप जितने भी हिली एरियाज़ में अगर विजिट करने जाओगे हिल स्टेशन में, और आपको जो है जब कहा जाएगा कि आपको पहाड़ी पे चढ़ना है, तो जो है वो म्योल का ही इस्तेमाल किया जाता है आपको ऊपर चढ़ाने के लिए या ऊपर ले जाने के लिए या नीचे, मतलब पहाड़ी एरिया में इनका इस्तेमाल किया जाता है। म्योल जो है ये कॉम्बिनेशन है, इट इज़ द हाइब्रिड, ठीक है, ये एक हाइब्रिड है हॉर्स और डोंकी का, जिस वजह से जो है इसमें सम ऑफ द कैरेक्टर, मतलब उसका जो अपियरेंस है आप आंखों से देखोगे तो आपको लगेगा कि वो घोड़े की तरह दिखता है, बट उसकी हाइट जो है और उसका जो लोड उठाने का जो कैपेसिटी है, हार्ड वर्क करने का जो कैपेसिटी है, वो बिल्कुल डोंकी की तरह होता है, ठीक है। तो इसी वजह से जो है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ हॉर्स एंड डोंकी, बट ये एक हाइब्रिड है, और हाइब्रिड जनरली जो हाइब्रिड्स होते हैं ये जो है ये नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं, मतलब स्टराइल होते हैं, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, मतलब अगर आपको नेक्स्ट जनरेशन तैयार करनी है म्योल की, तो यू हैव टू हाइब्रिड और यू हैव टू डेवलप द हाइब्रिड ऑफ हॉर्स एंड डोंकी, तो ये जो है ये एक स्टराइल है। लेकिन क्या वो नॉन लिविंग थिंग है? नहीं, वो लिविंग थिंग है, लेकिन वो एक्सेप्शन है, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। तो दैट इज़ द सेकेंड एग्जाम्पल कि रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। एंड द थर्ड वन इज हनी बी, ठीक है। हनी बी मधुमक्खी, आपको पता है हनी बी जो है ये कॉलोनियल इंसेक्ट है, कॉलोनी बनाकर रहते हैं, ठीक है, ग्रुप में रहते हैं। हनी बीज जो हैं ये जो छत्ता बनाते हैं, तो हनी बी की कॉलोनी में जो है वो तीन मेंबर्स होते हैं, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेंबर, वन इज क्वीन, ठीक है, यहाँ हम हनी बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। हनी बी जो है इसमें पहला मेंबर और सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर होता है क्वीन, उसके बाद में वर्कर्स, ठीक है, दैट इज़ द अनादर मेंबर, एंड ड्रोन्स, ठीक है, दिस इज़ द थर्ड मेंबर। इस तरह से हनी बीज जो है इनकी कॉलोनी में आपको तीन अलग अलग प्रकार के जो हैं वो बीज नज़र आएंगे। ये जो बीज हैं इनका काम अलग होता है, ठीक है, प्लस इनका जो हम बोलेंगे कि जो जेंडर है वो भी अलग होता है। क्वीन इज़ फीमेल ऑब्वियसली, ठीक है, वर्कर्स जो हैं वो भी फीमेल्स होते हैं, एंड जो भी ड्रोन्स होते हैं दे आर मेल्स, ठीक है। अब सबका काम जो है, पहले फंक्शन के बारे में बात करते हैं। क्वीन जो है इसका एकमात्र काम होता है कि इसे एक स्पेशल चैम्बर दिया जाता है उनके हनीकॉम में, विच इज़ कॉल्ड एज क्वीन्स चैम्बर। क्वीन चैम्बर में क्वीन रहती है और उसका एक ही काम है रॉयल जेली, इट इज़ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेली विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द नेक्टर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर, क्योंकि हमें पता है मधुमक्खी जो है वो फूलों का रस पीती है, फूलों का रस गैदर करती है, ठीक है, और उससे वो एक रॉयल जेली तैयार करती है। वो रॉयल जेली जो है वो ये क्वीन खाती है, और सिर्फ उसका एक ही काम है, एक ही फंक्शन है, टू ले एग्स, ठीक है, अंडे देना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है जो भी क्वीन अंडे देती है ये अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इस इंसेक्ट में फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब जो भी मेल गमेट है वो बाहर से ऐड किया जाता है अंडे देने के बाद में, ठीक है। देन तो इसका एक ही काम है कि ये अंडे देती है, ठीक है, उन अंडों को फर्टिलाइज करने का काम है ड्रोन्स का, और ड्रोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सोल्जर्स, क्योंकि वो उनके जो हनी कोम है उसकी रखवाली करते हैं। तो इनके दो फंक्शन है कि ये रखवाली करेंगे, ठीक है, और दूसरा है कि जो भी क्वीन द्वारा दिए गए अंडे हैं उन्हें फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वीन ने जो है वो 100 एग्स दिए हैं, ठीक है, कितने एग्स दिए हैं, 100 एग्स दिए हैं, 100 एग्स में से 70 एग्स जो हैं, ठीक है, दे आर फर्टिलाइज, 70 एग्स जो हैं वो ड्रोन फर्टिलाइज कर पाए, लेकिन जो बचे हुए 30 एग्स हैं, ठीक है, ये 30 एग्स क्या हैं, अनफर्टिलाइज्ड हैं, ठीक है। तो ये जो भी 70 एग्स जो फर्टिलाइज हुए हैं वो क्या बनेंगे,
फीमेल वर्कर्स, दे विल बिकम फीमेल वर्कर्स, और जो भी 30 अनफर्टिलाइज्ड एग हैं वो नेक्स्ट जनरेशन के क्या बनेंगे, मेल बनेंगे. मतलब जो भी एग्स फर्टिलाइज होंगे वो सभी के सभी जो हैं वो क्या बनेंगे, वर्कर्स बनेंगे, क्योंकि क्वीन एक ही होती है, ठीक है. और जो भी अनफर्टिलाइज मतलब जिनका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, दे विल ऑल्सो हैच. मतलब ऐसा नहीं है कि वो अंडे जो हैं वो वेस्ट हो जाएंगे, उनमें से भी इंसेक्ट निकलेंगे, उनमें से भी बीज निकलेंगे, लेकिन वो बीज क्या बनेंगे, ड्रोन्स बनेंगे. अब देखो अंडे कौन दे रहा है, क्वीन. अंडों को फर्टिलाइज कौन कर रहा है, ड्रोन्स. इसमें जो है वो फीमेल गमेट आ रहा है फ्रॉम क्वीन, मेल गमेट आ रहा है फ्रॉम ड्रोन्स, लेकिन वर्कर जो हैं वो इस पूरे प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे. कहने का मतलब ये है कि क्वीन जो है वो एग्स दे रही है, मतलब वो फर्टाइल है, ठीक है, फर्टिलिटी जो है वो उसमें होती है. देन ड्रोन्स जो है वो मेल गमेट जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं इन एग्स, इसका मतलब वो भी फर्टाइल हैं, लेकिन वर्कर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे क्योंकि वो स्टराइल होते हैं, दे के नॉट रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है. तो दिस इज अनादर एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग थिंग विच कैनॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. मतलब अब क्या आप रिप्रोडक्शन इस कैरेक्टरिस्टिक से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि भाई जो रिप्रोड्यूस करेगा वो लिविंग है और जो नहीं करेगा वो नॉन लिविंग है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिससे ये प्रूव होता है कि सम ऑफ द एक्सेप्शंस आर देयर विच कैनॉट रिप्रोड्यूस और विच कैनॉट शो द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग थिंग, लेकिन इसके बावजूद भी वर्कर्स जो हैं वो एक लिविंग थिंग है, ठीक है. तो कहने का मतलब ये है कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनको अकेले आप जो है अगर कंसिडर कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की मदद से आप लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है. तो ये जो है ये हमारा सेकेंड बेसिक प्रिंसिपल था जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि सिर्फ रिप्रोडक्शन के माध्यम से आप लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है. देन इसके बाद में जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है मेटाबॉलिज्म, ठीक है. नाउ व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, सबसे पहले मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है. हमारे बॉडी के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, हमारे जो सेल्स हैं इनके अंदर में कंटिन्यूअसली जो है वो रिएक्शंस चल रही होती है, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है. अब ये जो भी रिएक्शंस हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, जो भी रिएक्शंस हैं एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक रिएक्शंस, और इन दोनों को अगर हम ऐड करें मतलब दोनों को कंबाइन करें तो जो है उसे मेटाबॉलिज्म या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहते हैं. नाउ एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक मतलब क्या, एनाबोलिक मतलब कुछ ऐसे रिएक्शंस होती हैं जिनमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है. सच टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड एज एनाबोलिक रिएक्शन, और कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो ब्रेक होकर सिंपल बनता है, ठीक है. मतलब ब्रेक डाउन की रिएक्शंस होती हैं, उन्हें कहते हैं कैटाबोलिक रिएक्शंस. तो हमारे सेल में जो है वो लगातार कंटिन्यूस बेसिस पे साइमल्टेनियसली एनाबोलिक और कैटाबोलिक रिएक्शंस दोनों ही चल रही होती हैं, ठीक है. और इन दोनों को जो है वो हम कलेक्टिवली अगर एक शब्द में कहें तो उसे मेटाबॉलिज्म कहा जाता है. तो मेटाबॉलिज्म क्या है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द सम टोटल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, रिएक्टिव एक्टिविटीज या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट सेल्युलर बेसिस. हमारे सेल के अंदर जितनी भी ये रिएक्शंस होती हैं इन्हें हम मेटाबॉलिज्म कहेंगे. अब मेटाबॉलिज्म जो है ये एक लिविंग थिंग, क्योंकि सेल के अंदर हो रही है, मतलब ये एक लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है. अब क्या नॉन लिविंग थिंग में भी मेटाबॉलिज्म होता है, तो इसका आंसर है नो, क्योंकि ये जो है वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है कि जो भी डेड सेल्स होते हैं या भी जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं इनमें जो है वो कभी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इज़ ओनली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग थिंग या फिर लिविंग सेल. इसका मतलब क्या है कि हम जो है वो ये डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी मदद से आप लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि जिनमें मेटाबॉलिज्म होगा ऑब्वियसली वो लिविंग सेल है, मतलब वो लिविंग थिंग है. जिनमें मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, क्योंकि होने के कोई चांस ही नहीं है किसी भी तरह से, तो
वो जो है वो नॉन लिविंग थिंग कहलाएगा। मतलब अभी तक हमने जो देखा कि ग्रोथ जो है वो एक डिफाइनिंग फैक्टर नहीं है, इट कैन नॉट डिफाइन द कि आप ये बोलोगे कि हाँ जो ग्रो होता है वो लिविंग है। उसी तरह से रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट अ डिफाइनिंग फैक्टर, बट मेटाबोलिज्म इज अ डिफाइनिंग फैक्टर विच कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ लिविंग एंड अ नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हैं जो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ कैरेक्टर्स हैं जो नॉन डिफाइनिंग है और कुछ कैरेक्टर्स हैं जो डिफाइनिंग है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।